श्री बी आर मिर्दा राजकीय महाविद्यालय नागौर के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम बीए पार्ट थर्ड के पेपर फर्स्ट प्रशासनिक विचारक एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर में पढ़ेंगे हेनरी फेयोल के प्रशासनिक विचार। एडमिनिस्ट्रेटिव आइडियाज ऑफ हेनरी फेयोल। फेयोल, जिनका जन्म 1841 में हुआ, वे मूलतः एक फ्रांसीसी फ्रेंच प्रशासनिक विचारक थे। हेनरी फेयोल को प्रशासनिक सिद्धांतों का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव थियरीज, जिन्होंने सबसे पहले प्रशासन में सिद्धांत दिए, प्रबंध में सबसे पहले सिद्धांत दिए, वो हेनरी फेयोल ही थे। हेनरी फेयोल को प्रशासन की शास्त्रीय जो विचारधारा है, क्लासिकल आइडियोलॉजी, उसका पिता कहा जाता है, क्लासिकल थियरी के फादर ऑफ क्लासिकल थियरी। प्रशासनिक या प्रबंध के विचारों के जनक तथा शास्त्रीय सिद्धांत, लोक प्रशासन में या प्रशासन में शास्त्रीय सिद्धांतों के जनक के रूप में फेयोल को माना जाता है। ये एक फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर खनन अभियंता। शास्त्रीय विचारकों में कुछ अन्य विचारक भी आते हैं, जैसे उर्विक, गुलिक, मुने, रेले, फॉलेट, सेल्डन। इनके साथ साथ हेनरी फेयोल भी शास्त्रीय विचारकों में गिने जाते हैं। शास्त्रीय विचारधारा के जनक इनको कहा जाता है। इन्होंने सबसे पहले 1916 में, इनकी बुक है, एक फेमस बुक, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, सामान्य तथा औद्योगिक प्रबंधन। यह किताब मूल रूप से फ्रेंच भाषा में, यानी फ्रांसीसी भाषा में थी। इसी किताब का 1929 में यह किताब अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुई। इट वॉज पब्लिश्ड इन इंग्लिश। इस किताब की 1916 में जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट किताब की प्रस्तावना उर्विक ने लिखी थी। कौन से उर्विक? ये वाले शास्त्रीय विचारधारा के ही समर्थक हैं। हुआ यूं था कि 1908 में हेनरी फेयोल ने जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नामक एक लेख लिखा। फिर वही लेख, वो लेख भी फ्रेंच भाषा में था, वही लेख इस किताब के रूप में सामने आया। लेकिन उस एडमिनिस्ट्रेशन
वर्ड का जो प्रशासन शब्द है उसका अनुवाद मैनेजमेंट के रूप में हो गया, प्रबंधन के रूप में हो गया। एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने मूल रूप में प्रयुक्त किया था लेकिन वो मैनेजमेंट के रूप में हो गया। फिर उसका प्रकाशन अंग्रेजी में 1929 में हुआ जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के नाम से। तब से फेयोलवाद के रूप में हेनरी फेयोल के विचार विश्व के सामने आए। फेयोल के समकालीन ही एक अन्य विचारक टेलर, जिनको वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक माना जाता है, उनके विचार भी उस समय बड़े लोकप्रिय हो रहे थे। तो टेलरवाद के बिल्कुल जैसा फेयोलवाद भी यूरोप में पनपा। और ये दोनों सिद्धांत हैं, ये वैज्ञानिक प्रबंधन से सिद्धांत से संबंधित है तथा फेयोलवाद है वो प्रशासनिक जो सिद्धांत है उन पर इसका फोकस है। अब फेयोल के बारे में इतनी जानकारी लेने के बाद हम देखते हैं कि फेयोल के प्रशासन पर क्या विचार है। हेनरी फेयोल, जिनको प्रशासनिक सिद्धांतों का जनक कहा जाता है, उसके प्रशासन पर क्या विचार है, प्रशासन को वो क्या मानते हैं। प्रशासन जो कि अंग्रेजी शब्द एडमिनिस्ट्रेशन का पर्याय है, उसके बारे में हेनरी फेयोल क्या कहते हैं। हमारे सिलेबस में हेनरी फेयोल के दो टॉपिक, प्रबंधकीय गतिविधियां तथा संगठन के सिद्धांत, ये दो टॉपिक अपने सिलेबस में है, जिसमें प्रशासन या प्रबंधन बिल्कुल एक ही बात है। जब हम फेयोल को पढ़ेंगे तो ये दोनों एक ही बात है। अब प्रशासन पर फेयोल के क्या विचार हैं, तो फेयोल ने एडमिनिस्ट्रेशन, मैं प्रशासन के लिए ए लेटर लिख रहा हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट, इन दोनों को एक बताया है। हेनरी फेयोल के अनुसार प्रशासन तथा प्रबंधन में कोई अंतर नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन है वही मैनेजमेंट है, प्रशासन और प्रबंधन दोनों एक ही है। उन्होंने कहा कि अब हमारे सामने कई प्रकार के, अलग अलग प्रकार के प्रशासनिक विज्ञान नहीं हैं, केवल एक ही प्रकार का प्रशासन हमारे सामने मौजूद है जिसे सार्वभौमिक रूप से सब जगह लागू किया जा सकता है। हेनरी फेयोल के अनुसार अब हमारे सामने कई प्रशासनिक विज्ञान नहीं है, प्रशासनिक विज्ञान मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस, हमारे सामने अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस नहीं है, अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस नहीं है, तो है क्या, केवल एक ही प्रकार का एडमिनिस्ट्रेशन है जिसे सब जगह लागू किया जा सकता है। सब जगह मतलब वो कोई सा भी क्षेत्र हो, चाहे वह पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वह प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन, इन दोनों में समान रूप से लागू किया जा सकता है। इसलिए प्रशासन को उन्होंने यूनिवर्सल माना है, सार्वभौमिक, जो सब जगह समान रूप से विद्यमान हो। प्रशासन उनके अनुसार, हेनरी फेयोल के अनुसार, प्रशासन एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है,
सार्वभौमिक प्रक्रिया। एडमिनिस्ट्रेशन अकॉर्डिंग टू हेनरी फेयोल इज ए यूनिवर्सल प्रोसेस। यूनिवर्सल किस अर्थ में है कि इसे समान रूप से सभी जगह लागू किया जा सकता है, ये तो यूनिवर्सल का अर्थ हुआ। प्रोसेस है ये प्रबंधन के बिल्कुल बराबर है, अर्थात प्रशासन और प्रबंधन दोनों में कोई अंतर नहीं है, चाहे प्रशासन कहो चाहे प्रबंधन कहो। अब हमारे सामने कई प्रकार के प्रशासनिक विज्ञान नहीं है, अब हमारे सामने केवल एक ही प्रकार का प्रशासन है जिसको सब जगह समान रूप से लागू किया जा सकता है। एक उन्होंने कहा कि पीए दो पीए हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, याद रखने के लिए ये आप याद कर सकते हो, ए बराबर एम, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन इज इक्वल टू मैनेजमेंट। हमारे सामने अलग अलग प्रकार के एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज नहीं हैं, केवल एक ही प्रकार का एडमिनिस्ट्रेशन है विच कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन बोथ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये यूनिवर्सल है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। जब प्रशासन को हेनरी फेयोल ने यूनिवर्सल प्रोसेस कहा है, इसका मतलब सब जगह समान है, तो उन्होंने कहा प्रशासन है, लोक और निजी जैसा कोई भेद नहीं है। तो हेनरी फेयोल लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन दोनों को समान मानते हैं। तो आज जो हमने जो बातें हेनरी फेयोल के बारे में पढ़ी हैं उनको हम रिकैप कर लेते हैं। हेनरी फेयोल, जिनको प्रशासनिक सिद्धांतों का जनक कहा जाता है, या हम कहें प्रशासन की शास्त्रीय विचारधारा के जनक हैं, वे एक फ्रेंच खनन अभियंता थे, फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर, और उनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, जो कि 1916 में प्रकाशित हुई थी। 1929 में यह अंग्रेजी भाषा में फिर से प्रकाशित हुई और उसकी प्रस्तावना उर्विक नामक विचारक ने लिखी है। इस किताब में उन्होंने प्रबंध की गतिविधि तथा संगठन के सिद्धांतों का जिक्र किया है। इसी क्रम में उन्होंने प्रशासन को एक सार्वभौमिक प्रक्रिया बताया है जिसे सब संगठनों में समान रूप से लागू किया जा सकता है। उनके अनुसार हमारे सामने अब कई प्रकार के प्रशासनिक विज्ञान नहीं है, केवल एक ही प्रकार का प्रशासन है जिसको सब जगह यूनिवर्सली सब जगह समान रूप से लागू किया जा सकता है, वेदर इट इज ए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और इट इज ए प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये बात हेनरी फेयोल के अनुसार कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन दोनों एक हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है वो मैनेजमेंट के बराबर है, लोक प्रशासन और प्रबंधन में कोई अंतर नहीं है, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में कोई अंतर नहीं है। एक हेनरी फेयोल का मानना था कि प्रशासन संगठन के सभी स्तरों पर विद्यमान है। सभी स्तरों पर विद्यमान होने का अर्थ यह है कि अगर ये उच्च स्तर है प्रशासन का या संगठन का या प्रबंधन का उच्च स्तर है, और ये मध्य स्तर है और ये निम्न स्तर है, हायर लेवल, मीडियम लेवल एंड लोअर लेवल। एक संगठन में हायर लेवल पर, मीडियम लेवल पर और लोअर लेवल पर, तीनों में प्रशासन विद्यमान होता है, तीनों में। इसे प्रशासन की एकीकृत अवधारणा कहते हैं, एकीकृत अवधारणा, प्रशासन की इंटीग्रेटेड अप्रोच, एकीकृत दृष्टिकोण। तो हेनरी फेयोल प्रशासन के एकीकृत दृष्टिकोण के समर्थक है। अब हेनरी फेयोल से संबंधित जो प्रशासनिक विचार हैं उनमें उनकी प्रबंधकीय गतिविधि, मैनेजेरियल एक्टिविटीज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।